तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हमारी इस पिंक बोल को क्लैंप कर दिया है स्टेबल के साथ में, और दोस्तों जो शिकंजा है वो भी मैंने पूरा यहाँ पर कस दिया है। और दोस्तों इस बोल को हम यहाँ पर काटने वाले हैं अलोंग द सीम नहीं काटेंगे, हम इसको इस तरीके से जो है सेक्शन करेंगे। तो चलिए फिर इसको करते हैं हमारी मशीन को चालू और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर पिंक बोल को दो हिस्सों में काटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ मटेरियल इसके अंदर है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूँ। और दोस्तों जो इसके अंदर पीस था कोर्क वाला वो पता नहीं कहाँ गया एकदम से जब ये बोल कटी थी, तो उसको मैं ढूंढता हूँ आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जो है काटने वाले हैं हमारी इस एचजी की बोल को। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेबल जो है वो गंदी हो गई है। दोस्तों इसको काटते टाइम मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है कि कितना हार्ड है ये बोल और इतना इजी नहीं है इसको काटना। बोल्स को चार पीसेस में काटने के बाद हमें यहां पर मिले हैं टोटल बोल्स के चार टुकड़े। और दोस्तों काटते टाइम जो हमारी पिंक वाली बोल है उसके अंदर का जो मटेरियल था उसकी जो कोर थी वो पता नहीं कहां पर उड़कर चली गई। मैंने ढूंढने की काफी कोशिश करी मुझे मिली नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास में दूसरा पीस है, बड़ा वाला पीस है और इसके अंदर जो है वही सेम मटेरियल है। चलिए अब इस रेड बोल को करते हैं साइड में और देखते हैं कि इस पिंक बोल के अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो दिखता है वो यहाँ पर है कोर्क, और दोस्तों ये जो है एक सिंगल पीस में मुझे लग रहा है इसके अंदर जो है कोई खास चीज़ नहीं दिखाई दे रही। आप देखेंगे सिर्फ एक कोर्क का टुकड़ा है जो कि एक पूरा था काटने के बाद में अभी आधा हो गया है कोर्क का। तो चलिए अब इसको भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है मुझे लग रहा है काफ़ी टाइट वाइंडिंग इसकी की हुई है, जो बोल है वो बहुत अच्छे से फिक्स है। और दोस्तों यही एक निशानी है कि आपकी जो बोल है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर आपको मिल रही है काफ़ी लेयर्स, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा थ्रेड आपको मिलता है। ये जो धागा होता है ये बोल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत काम आता है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं पता इसकी कितनी लेयर्स हैं, इसको खोल के देखते हैं कितनी लेयर्स हमें इस थ्रेड की मिलती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पांच लेयर इस थ्रेड की हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इनको हम रखते हैं साइड में। ये जो है चिड़िया के घोंसले का जैसा लग रहा है आप देखिए, और मुझे लगता है अभी इसके अंदर और लेयर जो है बची हुई हैं, तो इनको भी हम बाहर निकालते हैं। सेंटर जो कोर था वो भी यहाँ पर बाहर आ गया है लगभग। और जी हाँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक छोटा सा सेंटर में कुछ मिलता है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है लकड़ी का तो बना हुआ नहीं लग रहा, किसी और चीज़ का ही है। तो ये है इस बोल के अंदर जो कि थी हमारी रेड वाली बोल एसजी का क्लब, और इसकी जो कीमत थी वो थी लगभग 600 रुपये। तो दोस्तों अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक सस्ती वाली बोल थी जो कि एक यहाँ पर पिंक वाली बोल थी 250 रुपये की रेंज वाली, उसमें और इस रेड बोल में जो कि थी एक प्रीमियम क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की बोल, उसमें क्या अंतर है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये निकली हैं इस रेड वाली बोल के अंदर, वहीं पर इस जो पिंक वाली बोल है इसके अंदर हमें सिर्फ एक टुकड़ा ही मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे नए चैनल ब्लेड XYZ को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे कुछ खास ज़रूरत है, तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप ज़रूर से प्लीज़ कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए उसको भी आप ज़रूर से ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।